तो हिंदी सत्र में स्वागत। हम लोग अभ्यास दो कर रहे हैं, जिसमें हम अपने द्वारा सेल्फ चैतन्य के द्वारा शरीर को देख रहे हैं और शरीर के साथ जो हमारा आदान प्रदान है उसको देख रहे हैं, और इसी की कड़ी में आगे बाहर से जो हम सूचनाएं ले रहे हैं शरीर के माध्यम से उसको देख रहे हैं। तो अभी तक की जो चर्चा हुई है, 5 स्टेप्स हमने कवर करें और इनके बेसिस पे हमने एक गृह कार्य आपको दिया था, जिसमें कि हमें ये पूरा अपने अंदर देखना था कि ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो अगर हम होमवर्क को देखें तो हमने ये बात हुई थी कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ या कार्यस्थल पे जो भी सहकर्मियां हैं उनमें जब उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, वो संवाद में देखें क्या हो रहा है। मैं निर्णय पूर्वक दूसरे की आवाज की संवेदना को पढ़ता हूँ। वो कुछ कहते हैं, कुछ ध्वनि मेरे कानों पे पड़ती है, मैं निर्णय पूर्वक उस पर ध्यान देता हूँ। जब मैं उस पर ध्यान देता हूँ, मैं निर्णय पूर्वक अपने संस्कार के साथ जोड़कर ही उसको अर्थ देता हूँ, और जैसा भी अर्थ देता हूँ उससे या तो मैं प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, सुखी होता हूँ या दुखी होता हूँ। और इसके तहत जो भी मैं निर्णय लेता हूँ, या तो प्रतिक्रिया के साथ या जिम्मेदारी के साथ अपने अंदर उसके निर्वाह का निर्णय लेता हूँ। और अगर मुझे दिखता है कि आवश्यकता है तो मैं शरीर को ऐसा संकेत देता हूँ और उसकी बाहर अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि शरीर वही करता है जो मैं संकेत देता हूँ। अब ये पूरा प्रोसेस जब हमने खोल खोल के देखा तो हमें दिखेगा कि शरीर में तो बहुत छोटा सा भाग हो रहा है, हर स्टेप में निर्णय मेरा है और जो भी मैं निर्णय ले रही हूँ उसके पीछे मेरा संस्कार काम कर रहा है। मैंने दूसरे के लिए कुछ माना है, उसके बेसिस पे मैं कोई अर्थ दे रही हूँ और वहीं से निकल के मेरा निर्णय आ रहा है कि मैंने इसके साथ, इस व्यक्ति के साथ मैंने क्या माना है या क्या अर्थ दिया इस पूरे संवाद को। तो दिखेगा कि जो कल भी बात हो रही थी कि हर स्टेप में क्योंकि निर्णय मेरा है और ये निर्णय वहां से उसका आधार वहां पर है जहां मेरा संस्कार है, तो देखिएगा मुझे अपना संस्कार देखने की बहुत आवश्यकता है। जो भी मेरा संस्कार है, अगर मेरा ध्यान उस पर जाएगा तो मैं देख पाऊंगी कि ये जो संस्कार है मेरी सहज स्वीकृति के आधार पर है या मैंने ऐसे ही कुछ मान लिया है जो कि समझ के लाइन में नहीं है, सहज स्वीकृति से अलग है। तो धीरे धीरे हमने देखा कि शुरुआत में हमारा ध्यान गया हमारा व्यवहार कैसा है दूसरे के साथ, हमने देखा कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है,
हमने देखा कि इसके भी पहले मेरे अंदर जो आशा विचार इच्छा चल रही है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा भाव क्या है, क्योंकि जैसा मेरा भाव है वैसा ही मेरे विचार आशा चलने लगती है और वैसा ही मेरा व्यवहार बाहर होने लगता है। तो हमारा ध्यान इस पर गया कि मेरे अंदर जो भाव है उसको मैं कैसे सही करूं, सही यानी सहज स्वीकृति की लाइन में कैसे लाऊं। फिर जब हमारा इस पर ध्यान गया तो हम और पीछे गए और हमने देखा कि हमारा भाव तो हमारे संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। हमने दूसरे के लिए क्या माना है, अपने लिए क्या माना है, बाहर हो रही घटनाओं के लिए क्या माना है, ये तय करता है कि हम क्या भाव रखेंगे उस क्षण। तो अल्टीमेटली हमारा संस्कार देखे बिना हम अपने में स्थिर हो नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें संस्कार देखना आवश्यक है। ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा। अगर हमें नहीं भी दिख रहा है संस्कार या इवन भाव, कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस स्लो है, धीरे धीरे ही होता है। हम अपना निर्णय बनाए रखें कि देखना है, अपने अंदर देखना है। कुछ समय दिन भर का इसके लिए अलग से निकाल के रखें, आधा घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा, जिसमें कि हम बैठ के सिर्फ यही काम करें और कुछ ना करें। तो उससे एक तरह से एक अभ्यास हो जाएगा हमें अंदर देखने का। और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स दिन भर में हमको ध्यान देना ही है। लेकिन क्या होता है कि बिना अलग से टाइम दिए अगर हम इस कार्य को करने लगते हैं, दिन भर में देखने का प्रयास करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं। हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि मुझे अंदर ध्यान देना था, भाव पर ध्यान देना था। और इतना पोटेंशियल हम सब में है कि हम इन सब चीजों पर उसी क्षण ध्यान दे पाते हैं, अपने अंदर क्या चल रहा है, शरीर में क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम जिसको भी महत्वपूर्ण मानते हैं उसको हम ध्यान देते हैं, और अगर हमें अपने अंदर देखना महत्वपूर्ण नहीं लगता तो हम नहीं देखते हैं, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम किधर ध्यान दे रहे हैं, क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए इस सबको खोल खोल के हमें देखना था अपने गृह कार्य में। तो अगर आपकी कुछ शेयरिंग हो ये गृह कार्य को लेकर, वो ले सकते हैं, और आगे अगर किसी के प्रश्न भी हैं तो वो भी ले सकते हैं। मैं मुझे ये पूछना था, जैसे हमारी जब भी मतलब किसी भी पर्सन से या मतलब नॉन पर्सन से कन्वर्जेशन हो रही है, और उस कन्वर्जेशन में मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है, तो मैं उससे बैकआउट करना कर लेती हूँ। जैसे तो सामने वाले को लगता है कि वो डिसरिस्पेक्ट फील करता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? जी, तो अल्टीमेटली एक तो हुआ कि दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन चल रहा है उसको हमने रोकना चाहा, है ना, बैकआउट करना चाहा, वो तो एक बात है। उसके भी पहले अपने अंदर देखें हम क्यों रोकना चाह रहे हैं, क्यों आर्गुमेंट बनेगा, क्यों हमने ऐसा सोचा। क्योंकि ऐसे जैसे पास्ट में ऐसे बहुत बार हो चुके हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा फिर से ना हो, तो फिर ऐसे हो जाते हैं कि अभी कन्वर्जेशन छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो फिर सामने वाले को लगता है कि
क्योंकि मे बी उन्हें इम्पोर्टेंस फील नहीं होता कि शायद इसीलिए कन्वर्जेशन बीच में छोड़ रहे हैं, या पहले तो आप कर लेते थे बट फिर वो आर्गुमेंट हो जाता है तो इसीलिए देखिए अभी इसको देखेंगे ना, तो अपने अंदर अपने को अपना भाव देखना बहुत जरूरी है इसमें, है ना। अक्सर क्या होता है कि हमारे अंदर भी वो पास्ट इंसिडेंट को लेके, ना जब हमारा ध्यान पास्ट इंसिडेंट पे जाता है तो हो सकता है हमारे अंदर भी कुछ शंकाएं बनी हो दूसरे के प्रति, हमारे अंदर भी कुछ विरोध बना हो दूसरे के प्रति, तो हम शुरुआत वहां से करते हैं। हो सकता है ये सब पहले हुआ हो कुछ, ना 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, कुछ दिन पहले, कभी कभी तो साल पहले भी, लेकिन हम उसका ध्यान करके, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए हम आज के दिन दूसरे के साथ व्यवहार करने का सोचते हैं। तो जो हमारा पहले अगर कुछ ऐसा चला था और हमारे अंदर विरोध बना था, हम उसको याद करके फिर से विरोध से स्टार्ट करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ ऐसा हो सकता है मुझे। मैंने स्टार्टिंग में ही अपने अंदर विरोध रखा है ना, अपना भाव विरोध का है। क्यों विरोध का है? क्योंकि हमने कुछ माना हुआ है इनके बारे में कि ये तो ऐसे ही है, हर बार ऐसे ही है ना। वहां से हमने स्टार्ट किया, हमने विरोध के भाव से स्टार्ट किया, है ना। ताली तो दो हाथ से ही बजती है ना। तो दूसरे में भी शायद हो सकता है पहले का यही सब याद करके उनमें भी विरोध हो, है ना। अब हमारी पॉइंट क्या है? दूसरे को समझाने जाएंगे, पॉसिबल है, होगा नहीं होगा, डाउट है ना, गलत समझ नहीं जाएंगे, कुछ और होगा, जी गड़बड़ होगी, तो क्या चॉइस है? अपने को देख लें, अपने को सही कर लें, है ना। तो जब हम अपने को देखने जाते हैं और हमें अपने अंदर विरोध दिखता है, तो हम उसी क्षण ध्यान दें अपनी सहज स्वीकृति पे। मेरी सहज स्वीकृति क्या है? अभी उनको भूल जाए, बाहर वालों को भूल जाए। मेरे अंदर विरोध है तो मेरे अंदर भी मैं दुखी ही हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान दूँ और देखूँ मेरे लिए क्या भाव सहज स्वीकृत है। दिखेगा कि मेरे अंदर संबंध का भाव ही सहज स्वीकृत है, सहज स्वीकृति संबंध की ही है। ऐसा देख के अगर मैं अपने अंदर उसी क्षण संबंध का भाव लाऊं, तो मुझे दिखेगा कि मैं तो आराम में आ गई। ये इंस्टेंटली होगा, जैसे ही मुझे दिखेगा कि मेरे अंदर मैंने संबंध का भाव लाया, मैं आराम में आ गई। अब आराम में होते हुए मैं दूसरे से बात करूं तो आर्गुमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर्गुमेंट के लिए चाहिए कि दोनों तरफ से जोर जोर से बातें हों, है ना। दोनों तरफ से भाव सही ना हो तभी बनेगा ना आर्गुमेंट। अगर हमारा भाव सही है, एक सेकेंड मैं इसको खत्म कर लूँ फिर वापस। अगर मेरा भाव सही है ना, मेरा व्यवहार भी सही होगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे, भाव जैसा होगा वैसा ही मेरी विचार आशा चलेगी, वैसा ही व्यवहार होगा। उसमें बहुत ज्यादा करने का काम नहीं है, काम करने का कहाँ है, भाव को सही करने का। तो जैसे ही मैंने भाव सही किया तो मेरा व्यवहार भी सही हो जाएगा। अब दूसरे को सही व्यवहार से कभी परेशानी नहीं होगी। इवन इफ पहले का भी याद करें तो उनको कुछ तो दिखेगा कि अभी तो ये बंदा अच्छे से बात कर रहा है मेरे से, है ना। तो दूसरे को कोई परेशानी नहीं लगेगी, और क्योंकि हमारा भाव भी सही है, हम भी स्थिर हैं अपने में, तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो जो भी उनके अंदर पहले से परेशानी चल रही है, अभी एटलीस्ट हमारे भाव से तो बढ़ेगी नहीं, है ना।
एक बार होगा, हो सकता है फिर भी वो नाराज हो, चले जाएं, कॉन्वर्सेशन स्टॉप कर दें, कुछ और हो। दूसरी बार, तीसरी बार जब उनको दिखेगा कि इनका तो भाव स्थिर ही है, ये तो हमेशा हमारे साथ अच्छे से पेश आते हैं, तो फिर आर्ग्यूमेंट होगा भी नहीं, और आपको भी वो डाउट नहीं रहेगा कि अभी ये कुछ हो जाएगा, कुछ ना खराब हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएंगे। हम अभी क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो स्टेबिलिटी नहीं है कि हम आगे तक उस बात को ले जा पाए। तो हम डर रहे हैं कि कहीं मामला और ना बिगड़ जाए, इसलिए हम वहीं रोक देते हैं, है ना। जी बिल्कुल बट देखा जाए तो वहां बात रुक गई, लेकिन अपने अंदर तो चलती रहती है जी हाँ जी ना? तो मुद्दा सिर्फ ये हाँ नहीं जी है कि दूसरा बुरा मान जाएगा, हाँ मुद्दा ये भी है कि मेरे अंदर भी मैं सुखी नहीं हूं। जी उस पर क्या काम करते हुए फिर बात करें उनसे, ठीक ओके ओके है। ये आप कुछ कहना अच्छा चाह रहे थे? अगर हाँ अगर जैसे हमारी कन्वर्जेशन हो रही है और मैं मतलब कामली बिहेव कर रही हूँ और वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि यस ऐसे की बिहेव कर रही है मतलब इन्हें इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो भी वो भी उनको परेशान कर सकता है कई बार। आप उसको एक बार ट्राई करके देखें, हमें लगता है ओके ऐसा। क्या ओके 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 होता है ना कि अगर हमारा भाव भाव सही नहीं है और हमने मजाक में ले लिया जो उन्होंने कहा, तो हो सकता है कि वो चिढ़ जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये हमारा मजाक बना रहे हैं। लेकिन अगर हमारा भाव सही है ना, तो हमारा एक्सप्रेशन भी वैसा ही होगा। भाव सही है यानी जब हमारे में संबंध का भाव है, तो सिर्फ इतना जी नहीं है कि हम अपने में स्थिर हैं तो हम दूसरे की परवाह ही नहीं कर रहे। संबंध का भाव यानी उसका फर्स्ट पार्ट ये है कि मेरा भाव अपने अंदर स्थिर है। दूसरा पार्ट ये है कि मैं जब दूसरे को देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि वही परेशान है, ऑलरेडी परेशान है, तो मेरा इस पर ध्यान जाता है कि मैं इनकी सहायता कैसे करूं, है ना। ये दोनों बातें हैं। जब हम इन दोनों बातों के साथ दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो दूसरे को कोई परेशानी नहीं लगेगी। आप इसको ट्राई करके ओके देखिए, फिर बात हो सकती है, ठीक ठीक है। है ओके ओके थैंक यू सो मच। मैम जैसे चर्चा चल रही है कि अपने व्यवहार से जो हमारे सहकर्मी हैं तो मैं अपना जो भाव है वो देख पाती हूँ या नहीं देख पाती हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले समय की बहुत जरूरत है कि हम उस पर्सन को कितना समय देते हैं, उस इंसान को कितना समय दे चुके हैं कि मैं उसके संवाद को और अपने संवाद को समझ पाऊँ और जो दूसरे की संवेदना है उसको मैं फील कर पाऊँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ कुछ रहे होते हैं लेकिन दूसरा अंदाजा कुछ और ही लगा लेता है। तो इस स्पष्टता के साथ अगर हम संवाद कर पाए, बात कर पाए और दूसरे की भावनाओं को समझ पाए, वैसा ही व्यवहार एक्सपेक्ट करने की कोशिश करें जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, ऐसा ही दूसरों के साथ कर पाए, तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। अगर हमारे में राइट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो फिर हम उसका अपोजिट में मीनिंग समझ सकते हैं कि नहीं, उसका वो जो एटीट्यूड था, ये जो व्यवहार था, वो मजाक के तौर पे लेना है या वो मुझे सीरियस ले रहा है या सुन के मुझे अवॉइड कर रहा है। तो इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है मैम, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अभी अगर मैं कहूं कि कोई ना है ऐसा बाहर सड़क पे दिखा, हाँ, हाँ जी या बाहर सपोजिंग कुछ न्यूज आई कि हाँ जी कुछ एक जो नेचुरल कलामिटी है, कहीं बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, है ना, हाँ जी
वहां कुछ लोग थे। अब वहां जो भी लोग हैं उनको आप जानते तो नहीं है, है जी ना? लेकिन ये इंसिडेंट हुआ, हमने देखा, आजकल तो पूरे मीडिया के थ्रू एकदम एक जगह से दूसरी जगह खबर फैल जाती है। हमने देखा जी कि उनके घर ना बेकार हो गए, वो बहुत से लोग की बहुत सारी हानि हुई, ये सब हुआ। जब हम देख रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ तो भाव बन रहा है ना? कैसा भाव बना? सहानुभूति का, हेल्पिंग का, हाँ कि मैं हाँ क्या करूं जिससे इनको हेल्प हो जाए। ठीक बात है। अब ये भाव बन गया, इवन दो हमने उनके साथ कोई समय नहीं स्पेंड किया, हम तो उनको जानते भी नहीं, है ना? तो दिखेगा कि संबंध तो ऑलरेडी है, हम ही उसको पहचान नहीं रहे हैं। जब उनके साथ भी हमें ऐसा है, जिनको हमने कभी देखा नहीं, कभी उनसे मिले नहीं, उनके साथ कुछ भी समय नहीं स्पेंड किया, तो वो इसलिए है क्योंकि संबंध तो ऑलरेडी है, इसीलिए हमारी सह स्वीकृति है संबंध के लिए, व्यवस्था के लिए, सह अस्तित्व के लिए। ऑलरेडी हम सह अस्तित्व में हैं, संबंध तो है ही। तो हम संबंध से जब हमारी समझ जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे और हमारे अंदर हम संबंध का भाव रखेंगे, तो वैसे वैसे हम हमारे अंदर एटलीस्ट हम सुलझते जाएंगे। और उसके साथ जब हम दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे तो दूसरे को भी कोई परेशानी नहीं होगी, दूसरा हमारे प्रेजेंस में आराम में फील करेगा, हाँ जी, लेकिन हम कुछ लोगों को समय भी दे देते हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो ही है, निगेटिव एस्पेक्ट ही है, नकारात्मक तरीके से ही उन चीजों को लिया जाता है। जैसे मेरा ना? फेस है तो मेरे लिए पॉजिटिव हो गया, अगर मेरा मतलब सामने नहीं हूं मैं, इन बैक हैंड अगर वर्क करना है तो वो निगेटिव में वर्क कर रहे हैं। तो क्या ये पर्सन की आपकी पर्सनालिटी हो गई कि वो मुंह देखा व्यवहार आजकल करना चाह रहा है, या उसकी प्रकृति ऐसी है? तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि फेस पे आपके बहुत अच्छे होते हैं और बैकहेंड वही आपकी बुराई कर रहे होते हैं, जबकि हम उन्हें समय भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तब भी कुछ ना कुछ इस तरीके का आपको नकारात्मक कुछ ना कुछ सुनने के लिए मिल जाता है कि हाँ ऐसा नहीं है, ये है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, जबकि उसको पता है कि वो सामने वाला बंदा जो है, जो इंसान है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी जी देखिए, उनका क्या स्थिति है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, अभी हम बहुत ज्यादा उसके लिए इमीडिएटली नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है तो ठीक है ना? तो इन सब में भी पहले हम अपने अंदर देखें कि अभी दूसरा कुछ कर रहा है, गलत करना चाहता है या सही उसको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए कर रहा है ना? इस पर ध्यान जाएगा तो हमें दिखेगा समझ की कमी है। समझ के अभाव में वो किसी और चीज को महत्वपूर्ण मान रहा है और कुछ व्यवहार कर रहा है, ठीक है? अब समझ का अभाव उसमें है, हो सकता है समझ का अभाव हम में भी है। तो क्या हो रहा है कि हम आशा तो रखते हैं कि जैसा हम अच्छे अच्छे व्यवहार करेंगे दूसरे के साथ, तो दूसरा भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, है ना? वो आशा तो बनी हुई है, लेकिन हम अपने सुख को उसके साथ नहीं जोड़ते हैं। हमें हाँ ये जी दिखता है कि ठीक है, हमने कुछ अच्छा व्यवहार करा, दूसरा भी शायद करेगा, लेकिन अगर नहीं करेगा तो क्या? अगर उसने नहीं करा तो हम उस चीज को कैसे देखते हैं? एक हो सकता है कि हम देखें कि दूसरा नहीं करना चाहता, वो है ही ऐसा, है ना? हाँ यहाँ क्या हाँ जी हुआ, हमारे अंदर विरोध का भाव आ गया। हाँ जी एक हो सकता है कि हम देखें, अरे दूसरे में समझ नहीं है, बेचारा खुद ही अपने अंदर दुखी है,
मैं उसकी कैसे सहायता कर दूं, है ना। अब हाँ जी इसमें हाँ जी चाहे उसकी सहायता हुई अल्टीमेटली या नहीं हुई, सबसे पहली बात ये होगी कि मैं अपने अंदर आराम में होंगी और मुझे दिखेगा वो मेरे दुख का कारण नहीं है, जी है ना। हाँ जी मेरे हाँ जी अंदर आशा बनी थी लेकिन मैंने उसका सही सही मूल्यांकन किया, है ना, राइट हाँ जी हाँ इवैल्यूएशन जी किया, और हाँ मुझे जी दिखा कि वो तो उसमें समझ ही नहीं, मैं उससे क्या उम्मीद कर सकती हूँ। तो फिर मुझे दिखा कि मेरा क्या रोल है इसमें संबंध लेकिन अगर हम में। देख पा रहे हैं कि दूसरे में समझ जो है वो समझना ही नहीं चाहता है, हम समझ उसको समझा रहे हैं बट है तो नहीं समझना समझ नहीं चाहता है, क्या मतलब हुआ। हम मैं खुद ही इतना ज्यादा समझने की समझाने के बातें बाद, बोल। इतने एफर्ट्स करने के बाद, सही गलत में अंतर एक्सप्लेन करने के बाद, अगर वो सही समझ ही नहीं डेवलप कर पा रहा है मैम, तो उसके साथ मतलब कंटिन्यूअस मेहनत है। देखिए, आप अपने अंदर विरोध का भाव लाना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं। कभी नहीं कभी होता है क्या आपके अंदर विरोध का भाव? हाँ कभी कभी थक जाते हैं कि हाँ सब पता होने के बावजूद इंसान को भी अनुभूति है कि मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी नहीं वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो मैं अपने पास से हमेशा करते रहेंगे, लेकिन कब तक करते रहेंगे। हाँ ठीक है, वो बात ठीक है आपकी। तो जी मतलब हम अपने अंदर विरोध का भाव लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन नहीं फिर भी कभी कभी गलती हो जाती है, अग्रेशन, हाँ हमारे बिल्कुल, अंदर विरोध का भाव आ जाता है ना, हम यानी ले मैं आते उसको उसी के हाल पे छोड़ दूँ। हैं। नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो हमसे भी गलती होती ही है, हम करना नहीं चाहते लेकिन होती ही है। अब हाँ दूसरा जी भी मेरे जैसा है ना, दूसरा भी करना नहीं चाहता लेकिन होता है। हम भी देखो मॉर्निंग सेशंस अटेंड कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे होंगे, आप नहीं मतलब बहुत से लोग, फिर हाँ जी भी कभी कभी विरोध का भाव आ जाता है। हम सुन तो रहे हैं, ये रोज सुन रहे हैं, लेकिन हो तो जाता है ना। हाँ तो बिल्कुल जब तक हम उस चीज को प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, हमारी समझ बढ़ी ऐसा नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल दूसरे के साथ भी वही है, हमें वो दिखेगा तो फिर हमें ये भी दिखेगा कि ठीक है, हम जितना उनके साथ कर सकते हैं उतना करेंगे, बट मिनिमम ये होगा कि हम एटलीस्ट उनके लिए विरोध का भाव नहीं लाएंगे। फिर एक फीलिंग ये आती है कि मैं अपनी तरफ से सही करती रहूं, हाँ जो है चीजें सही सही के बारे में बताते रहें, सही करते रहें, बट कभी कभी ऐसा होता है कि अग्रेशन बढ़ जाता है कि वही वही हाँ ना, अग्रेशन बढ़ वो जाता है, मेंटली यानी खराब हो जाती हूँ, अग्रेशन बढ़ जाता है, यानी हमारे अंदर विरोध के भाव विरोध भाव का भाव। हाँ, आ बिल्कुल गया है बिल्कुल ना। हाँ तो इसीलिए सारा दुख का कारण यही है। अल्टीमेटली दिखेगा कि दूसरा नहीं था, दुख का कारण तो यही है कि मेरे अंदर मैं विरोध का भाव ले आई। और मजे की बात यह है कि इसमें मेरी चॉइस है। शुरू में क्या लगता है कि दूसरा ऐसा कर रहा है तो हम क्या करें, हमारे पास चॉइस ही नहीं है, विरोध का भाव तो आएगा ही। ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो दिखेगा कि हमारे में चॉइस है। हम जब जैसे ही हम संबंध का भाव लाते हैं, हम आराम में आ जाते हैं, तब रियलाइज होता है कि दूसरा मेरे दुख का कारण था ही नहीं, मैंने अपने अंदर ये बनाया हुआ था। अब अगर मैं संबंध का भाव रखती हूं तो मैं आराम में आ जाती हूँ। तो हाँ इसके लिए ट्राई करें, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम मेरा एक प्रश्न है, जी। हमारे अपने व्यवहार को लेकर ऐसा कुछ हम कर सकते हैं क्या? कोई अजनबी से हम पहली बार मिलते हैं तो वो कुछ बिना समझे बिना परखे हमारे साथ कुछ कुछ सोच रख देता है। मतलब ये आदमी ऐसा है ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ सोच रखा। तो इसको हम नेगेट करने के लिए कुछ ऐसा कुछ हम व्यवहार में प्रदर्शन कर कर सकते हैं क्या, जो कि उसको कम से कम हम एक अच्छा आदमी
इस तरह कुछ अनुभव हो, यही मेरा सवाल था। दूसरा क्या सोच रहा है वो हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम दोनों एक साथ बर्ताव करते हैं। ठीक बात है, तो हम अपना व्यवहार ठीक रखें, अपना भाव ठीक रखें, तो धीरे धीरे उसको दिख ही जाएगा ना। हमें बताने की, जताने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हम जी कर दिखा दें। अच्छा, इसके लिए तो टाइम चाहिए, लेकिन तुरंत कैसे दिख जा सकता है? क्या ऐसा कुछ हम कर देखिए सकते हैं? बात सिंपल सी है, व्यवहार में वही आएगा जो मेरे अंदर चल रहा है। अगर मेरे अंदर विरोध का भाव है तो बाहर व्यवहार ठीक नहीं होगा। मतलब हम करेंगे कुछ, लेकिन वो भी दिख जाएगा कि हाँ ना कुछ गड़बड़ है। बाहर से हम अच्छा, उनके लिए कुछ कर देंगे ना, जैसे किसी ने कहा कि भाई हमारे घर में बुजुर्ग हैं, किसी ने कहा कि भाई हमको पानी दे दो, तो हमने पानी जाके रख दिया, लेकिन अंदर विरोध में है, तो वो पानी का ग्लास भी हम जरा जोर से रखेंगे दूसरे के सामने, है ना? तो हाँ वो हमारे हाँ अंदर जो भी विरोध चल रहा है वो तो बाहर दिखेगा, कुछ ना उसका क्षण, कुछ क्षणिक रूप में कुछ ना कुछ दिखेगा, दूसरे को भी दिखता है ना? जी तो हम और वो सब हम कंट्रोल करें कि हम ग्लास भी ठीक से रखें, ये सब करें, वो बहुत मुश्किल काम है कि आप व्यवहार को अपना ठीक करने जा रहे हैं जबकि अंदर भाव ठीक ना हो। तो हम उस पर ध्यान जाए हमारा कि हमारा भाव ठीक रहे, तो फिर बाहर व्यवहार तो ठीक हो ही जाएगा, उसमें कुछ दो हाँ राय नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन हाँ अभी क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमने भी ये माना हुआ है कि दूसरा मुझे क्यों नहीं इस तरह का समझता। हमने अपने लिए एक इमेज बनाई है, हम सभी ने, है ना, कि समाज में मैं, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरे बारे में लोगों को कुछ ऐसा समझना चाहिए कि मैं ऐसा हूं, है ना? और अगर मुझे कहीं भी लगता है कि ये नहीं हो रहा, तो या तो मेरे अंदर विरोध आ जाता है, या मुझे एकदम ऐसा लगता है कि मुझे अभी इन लोग सबको समझाना पड़ेगा, है ना? बट अगर हम अपने में आराम में हैं, तो हमें दिखेगा ये तो दूसरे का व्यू है, ये उसका ओपिनियन है, उससे हम तो नहीं बदल गए, हम तो वही हैं जो पहले थे, है ना? ये बंदे ने कुछ अपने अंदर मेरे बारे में मान लिया है, तो ठीक है, हम अपना व्यवहार सही करेंगे। कैसे करेंगे? अपने अंदर अपने संस्कार को देखेंगे, उसको सही करेंगे, अपने भाव को सही करेंगे, व्यवहार तो सही हो ही जाएगा। तो धीरे धीरे उसको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये तो इस तरह के इंसान है। हो सकता है कि हमारे अंदर भी जब विरोध का भाव उठता है कभी कभी, तो वो भी तो उसको दिखता होगा ना। तो कभी हाँ हम विरोध में हैं, कभी हम संबंध के भाव के साथ हैं, तो उसको भी दिखेगा कि ये तो ना बहुत स्थिर नहीं है, तो वो एक तरह का आंकलन करेगा। बट दो तीन चार बार हमारे में स्थिरता दिखेगी, संबंध का भाव दिखेगा, तो वो अपनी मान्यता करेक्ट कर लेगा, है ना? हाँ ये ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यही था कि तुरंत दिखने वाली कुछ हम कर नहीं सकते हैं, समय लग सकता है, ये आप बोल रहे हैं ये तो? मतलब आप जो कह रहे थे ना कि हम व्यवहार ठीक कर लें, वो व्यवहार तभी ठीक होगा जब हम अपने अंदर संबंध का भाव लाएं। अब संबंध का भाव लाने को कितना समय लगता है? एक क्षण में अभी के अभी ला सकते हैं, है ना? तो अच्छा। अभी मैंने तय किया कि मेरे अंदर उस व्यक्ति के प्रति संबंध का भाव होना चाहिए, और मैंने वो लाया, तो इमीडिएटली हम आराम में आ गए, और उस टाइम में हम जो भी उनके साथ व्यवहार करेंगे वो सही ही होगा, क्योंकि हम संबंध के भाव के साथ करेंगे, है ना? अच्छा, ठीक मुद्दा ठीक सिर्फ ये है कि हम संस्कार पर अगर ध्यान नहीं देंगे और हम सजग नहीं होंगे, तो फिर हम वापस, हो सकता है संस्कारवश हम फिर विरोध में चले जाएं, वहां प्रॉब्लम आएगी।
ठीक तो है इसलिए ठीक फिर आंसर तो वही है, अपने अंदर ही देखना पड़ेगा, है ना। ठीक ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, एक और ले लेते हैं शेयरिंग, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी रश्मि जी, रश्मि कुमारी जी, रश्मि कुमारी जी, जी हेलो। जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। दीदी, भाव, मान्यता, संस्कार, मेरी आवाज आ रही जी आ रही है। है? बार बार दूसरे के द्वारा दी गई यातना, ये यूएसबी सुनने से तो कम हो जाती है, लेकिन कभी कभी कुछ हद तक भाव अपने अंदर बिगड़ते हैं, लेकिन अब उतनी प्रखर हो गई है कि अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है दीदी। बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। जी, बस यही कहना था। भले ही मान्यताएं और संस्कार गहरे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय मतलब इस पर एक्सप्लोरेशन का बढ़ते जा रहा है, अब बहुत हद तक सफलता मिल रही है दीदी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी समय लग सकता है, जी लेकिन जैसे जी जैसे हम कर रहे हैं और हमें दिखता है कि हमारे अंदर आराम के क्षण बढ़ते जा रहे हैं, वो अपने आप में जी ही एक बहुत बढ़िया बात है ना। बहुत जी दीदी अच्छा, जी धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद दीदी। अब हम स्टेप 6 पे जा सकते हैं। स्टेप 6 में क्या है? वही बातें हैं। ये स्लाइड में तो बहुत कलरफुल स्लाइड है, तो आपको जस्ट ध्यान ले जाने के लिए कुछ अलग अलग रंग हैं इसमें। तो बाहर की घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया हो रही है या अनुक्रिया, मतलब जिम्मेदारी के साथ पेश आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो बातें वही हैं। तो बाहर के स्रोत से शरीर में कुछ संवेदना उठी, वो क्या हुआ? किसी मनुष्य का, किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ व्यवहार, जो कि हम बात कर ही रहे हैं, किसी ने कुछ कहा, हाथ पांव हिलाए, कुछ संकेत किया, है ना। इसका शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ा जिससे कि संवेदना उठी। इसी तरह सुविधा के तहत कोई भौतिक रासायनिक प्रक्रिया चल रही है, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है ना, कोई भौतिक रासायनिक वस्तु रखी है ना, खाना रखा है, पौष्टिक खाना, स्वादिष्ट खाना, उसकी गंध आ रही है ना। इन सब से भी कुछ शरीर पर प्रभाव पड़ा और शरीर में संवेदना उठी, है ना। इसी तरह शरीर के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, ये जो येलो ब्लॉक में दिया, शरीर में भी कुछ घटना घट रही है ना। सांस चल रहा है, कहीं दर्द हो, सिर में दर्द है या पेट में दर्द है या कुछ और प्रोसेसेस चल रहे हैं, उसके तहत भी कुछ संवेदनाएं उठ रही हैं। तो ये जो संवेदना है, इसका स्रोत शरीर के अंदर से हो रही घटनाओं से है। और एक जो मेरे अंदर कल्पनाशीलता चल रही है, उसके कारण शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है जिससे कि संवेदना उठ रही है। वही सब सोर्सेस, जो 4 सोर्सेस की बात हम कर रहे थे, तो ये 4 सोर्सेस के द्वारा शरीर पर कुछ प्रभाव पड़ता है, शरीर में कुछ संवेदनाएं उठती हैं। अब आया मेरा रोल, है ना। नीचे के ब्लॉक जो है उसको देखेंगे तो मैं चैतन्य संवेदना को पढ़ता हूं,
सब संवेदनाओं को नहीं पढ़ता हूँ, जो भी मुझे महत्वपूर्ण लगता है, जिसको भी मैंने महत्व दिया है, उसको पढ़ता हूँ। मतलब कैसे ये महत्व दिया? मेरे संस्कार पर आधारित। मैंने किसी वजह से किसी संवेदना को महत्वपूर्ण माना, वो वजह क्या थी? मेरा संस्कार, मैंने जो भी माना हुआ है उसके बेसिस पे मैंने संवेदना को पढ़ा। पढ़ते ही या पढ़ने के साथ साथ मैंने उसको कुछ अर्थ भी दिया। ये जो मैं अर्थ दे रहा हूँ, ये मेरे संस्कारवश मैं कुछ अर्थ दे रहा हूँ, संस्कार के साथ जोड़कर देख अर्थ दे रहा हूँ। जैसे कि वो अभी बात हो रही थी ना कि बाहर वाला कोई व्यक्ति है, उसके लिए हम कुछ और मान रखते हैं। हमारे घर के लोग हैं, नजदीकी रिश्तेदार हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कुछ चल रहा है, पहले से, पहले भी कुछ बातें हुई हैं, उन सब बातों की वजह से हमने उस व्यक्ति के लिए कुछ माना हुआ है, जो कि बाहर वाले व्यक्ति के साथ में नहीं हुआ, उनके साथ नहीं माना। तो इस मान्यता के तहत हमने ना ऐसा अर्थ, कुछ और अर्थ दिया, ठीक है? तो हम कोई भी संवेदना को पढ़ते हैं, वही ध्वनि, किसी ने कुछ कहा, वही ध्वनि कानों पर तक आई। एक व्यक्ति के लिए हमने एक प्रकार का अर्थ दिया, दूसरे व्यक्ति ने वही बातें कही, हमने दूसरे प्रकार का अर्थ दिया। जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था, हमारी माँ ने कुछ कहा, हमने एक तरह का अर्थ दिया, हमारी सासू माँ ने वही शब्द कहे, हमने दूसरे तरह का अर्थ दिया, हमारे बच्चे ने कुछ कहा, हमने एक तरह का अर्थ दिया, किसी और के बच्चे ने वही शब्द कहे, हमने दूसरे प्रकार का अर्थ दिया। हमने कुछ माना हुआ है, कभी-कभी हमने एक के प्रति संबंध माना हुआ है, दूसरे के प्रति संबंध नहीं दिखा तो हमने कुछ और मान लिया, इस तरह से दिखेगा। तो जो भी हमारे संस्कार हैं, वो या तो समझ पर आधारित हो सकते हैं, या बिना समझ के हमने कुछ दूसरे के लिए मान लिया, उस पर हमारे संस्कार आधारित हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे जो भी हमने अर्थ दिया, जो भी हमने माना है, उस बेसिस पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं। निर्णय क्या लिया? इसके साथ क्या करना है? कैसा व्यवहार करना है? कैसा संवाद करना है ना? अब ये जब हम हमारे अंदर चल रहा है, इसी में हमें दिखेगा कि या तो हमारे अंदर जिम्मेदारी का भाव है, या फिर प्रतिक्रिया चल रही है। जैसा भी हमारा संस्कार होगा, उसी के बेसिस पर हमारा भाव बनेगा, उसी के बेसिस पर हमारा विचार चलेगा, उसी के बेसिस पर हमारी आशा चलेगी, और उसी के बेसिस पर आगे जाके देखेंगे तो व्यवहार भी होता है। तो ये सब बैकग्राउंड के साथ हम अपने अंदर ये करते हैं, या तो जिम्मेदारी का भाव लाते हैं, या प्रतिक्रिया करते हैं, और इसी से हम सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। जब हमारे अंदर संबंध का भाव होता है, व्यवस्था का भाव होता है, सह अस्तित्व का भाव होता है, तो हम पाएंगे कि हम आराम में आ जाते हैं। जैसे ही हमारे अंदर इससे अलग कोई भाव आता है, तो हम दुखी हो जाते हैं, और फिर जब हमें महत्वपूर्ण लगता है तो हम शरीर को संकेत देते हैं, है ना? और संकेत शरीर वही करेगा जो हम उसको सूचना देंगे, तो फिर शरीर को हम कहेंगे कि दूसरे के ऊपर चिल्ला दो तो चिल्ला देगा,
उसमें शरीर का तो कुछ रोल ज्यादा है नहीं, हमने जो भी संकेत दिया वो शरीर ने कर दिया। तो अल्टीमेटली ये दिखेगा कि जब हम, जैसे कि अभी एग्जाम्पल्स में बात हो रही थी, दूसरे के साथ व्यवहार में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा हम, हमारे में ये भय होता है कि कहीं बात और ना बिगड़ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली चाहते तो हम संबंध ही हैं। इतना ही है कि हम वो संबंध अभी देख नहीं पा रहे, हमें में, हमारे में समझ का अभाव है, दूसरे में भी समझ का अभाव है, लेकिन चाहता तो दूसरा भी संबंध है, दूसरा मेरे जैसा ही है। तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से उस बात को ठीक कर सकते हैं, अगर हमें अपने अंदर का भाव दिखा, उसको ठीक किया, और भाव के पीछे अल्टीमेटली जो संस्कार है जिसकी वजह से ऐसा भाव बन रहा है, उसको भी ठीक किया। ठीक किया यानी कैसे ठीक करेंगे, जैसे ही वो दिखा उसको देखिए सहज स्वीकृति के लाइन में है या नहीं है, नहीं है तो उसको ठीक करेंगे, और ऐसे ये पूरा प्रोसेस चलता है। अभी इसमें देखते हैं, अगर मान्यता आधारित संस्कार है बिना समझ के या समझ के अभाव में, तो क्या हो रहा है इसमें जो अभी बातें हो रही थी। अगर मेरा संस्कार किसी मान्यता पर आधारित है जो कि समझ के अभाव में है, तो मैं अपने अंदर निरंतर सुखी हो सकूंगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है ना। मैं अपने अंदर सुख की स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर पाता हूं। जब मेरे अंदर सुख की स्थिति नहीं है तो क्या होगा, मैं बाहर से दूसरों से ये इसकी पूर्ति करना चाहता हूँ, पूर्ति करने का प्रयास करता हूँ, है ना। हो सकता है किसी भौतिक रासायनिक वस्तु से, अपने ना संवेदनाओं के तहत, कि बहुत अच्छी संवेदना होगी तो इसको और खाया जाए, मिठाई को और खाया जाए, वहां से मैं अपने सुख की पूर्ति करने का प्रयास करता हूँ, या फिर दूसरे से भाव पाकर, दूसरा मेरे लिए सम्मान करना चाहिए, दूसरे ने मुझे मेरे बारे में ऐसा सोचना चाहिए, दूसरा मुझे दूसरे में मेरे प्रति विश्वास का भाव हो, ये सब। तो हम बाहर से सुख पाने के प्रयास में लग जाते हैं। अब अगर मेरे निर्णय संवेदना से प्रभावित होते हैं, तो क्या होता है कि मुझे जो भी संवेदना या दूसरे से मिलने वाला भाव अनुकूल लगता है, मैं उस क्षण के लिए, मुझे लगता है खुश हो गए, मुझे लगता है सुखी हो गए, ये एक तरह का आवेश है, और मैं इस संवेदना को जो मुझे अनुकूल लगती है उसको मैं बनाए रखना चाहता हूँ, तो मैं उससे वो जो अटैच हो जाते हैं, बोलते हैं ना राग, आसक्ति, तृष्णा, ये सब वर्ड्स यूज हुए हैं पहले भी, तो मैं उससे चिपक जाती हूँ, उसको छोड़ना नहीं चाहती, इसको कहेंगे अटैचमेंट एक तरह का ना। और अंदर ही अंदर है ना, हो सकता है कि मैं बाहर से ये पाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर प्रतिक्रिया चल रही है। तो पता चलेगा सुखी मैं फिर भी नहीं हूं, सुख को सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी बाहर से पाने वाली ये है ना, या तो मैं संवेदना से सुख पाने का प्रयास करूं या दूसरे से भाव पाने का, ये कब तक पॉसिबल रहेगा। मैं दूसरे के ऊपर टोटली निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दूसरा मेरा सुख सुनिश्चित करेगा, क्योंकि मुझे अपने अंदर सुख का स्रोत नहीं दिख रहा, तो मैं दुखी हो जाती हूँ कि जब दूसरा अच्छे मूड में होगा तो मेरे लिए ऐसा सोचेगा, ऐसी बात करेगा,
लेकिन अगर नहीं करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी। और इसी तरह वो संवेदनाएं जो मुझे पसंद नहीं है, जब दूसरे ने मेरे लिए सही भाव नहीं रखा, दूसरे ने या जो भौतिक रासायनिक वस्तु जिससे मैं संवेदना से सुख पाने के प्रयास में थी, अब वो वस्तु मेरे सामने नहीं है, मैं उस संवेदना से सुख नहीं पा रही हूं, तो मैं दुखी हो जाती हूँ। ये भी एक तरह का आवेश है। और मैं इस संवेदना को हटाने में लग जाती हूँ, इसको कहेंगे द्वेष। तो मैं कुछ ये जो प्रतिकूल भाव है उसके विपरीत कुछ निर्णय करती हूँ, बट अंदर ही अंदर प्रतिक्रिया कर रही हूँ। तो दुख तो कंटिन्यू रहा, तो ये पूरा प्रोसेस अपने अंदर चलते रहता है। आज समय नहीं बचा 5 मिनट ऑब्जर्वेशन के लिए, बट इसको हम अपने अंदर देखने का प्रयास करें। इसमें अगर कुछ प्रश्न है जो अभी बात हुई है, ये अल्टीमेटली ये दिखेगा कि जिम्मेदारी तो मुझे ही लेनी पड़ेगी। अगर मुझे सुख चाहिए हर क्षण, तो मुझे अपने अंदर वो भाव रखना होगा जिससे कि मैं सुखी रहूं। और वो भाव रखने के लिए, हर क्षण रखने के लिए, मुझे ये देखना होगा कि मेरे संस्कार भी जो हैं वो समझ के आधार पर हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली काम करने का तो अपने अंदर ही है। बाहर से अगर हम पाने का प्रयास करेंगे तो उसमें ना तो निश्चितता होगी, ना हम स्वतंत्र हो पाएंगे, दूसरे के ऊपर परतंत्र हो जाएंगे। दीदी, जब भी मेरे में विरोध का भाव आता है तो मेरे में दिखता है कि वो मेरे संस्कार कूट कूट के भरे हुए हैं, क्योंकि वो मेरे बिहेव में नजर आता है। तो उसको बहुत तरीके से भी रिजॉल्व करने की कोशिश करी कि मैं संवेदनाओं से प्रभावित ना हो, पर फिर भी वो मेरे संस्कार मेरे सामने आ जाते हैं। पर ये एक बहुत अच्छी रही कि वो मेरे को दिखने लगे। और बहुत फिर जब भी जैसे मेरे परिवार में कभी भी किसी के साथ विरोध का भाव आता है तो वहां दिखता है कि मैं वैसे में है ही ऐसी हूँ, मैं एक्चुअल में ऐसी ही थी। तो ये चीजें जब दिखने में आती हैं कि मैं ऐसी ही थी, तब मेरे को होता है कि हाँ, अब मेरे को इसमें बहुत सारी चेंजेस करनी है। वो प्री कंडीशन सामने आती है मेरे बिहेव में। जैसे आपने कहा ना, हम गिलास रखते हैं तो वो भी हम जोर की आवाज करके रखते हैं सामने वाले के। बढ़िया। और दीदी, एक और मेरे लिए एक और इस अभ्यास में मैं एक चीज देख पाई कि शरीर और मेरे में अंतर है। तो मेरे कोई कजन है, उनके बेटा को देख पाई कि वो चैतन्य तो उसका बहुत अच्छा है, पर वो ना अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो बॉडी उसकी ना एवरी टाइम मूवमेंट करती रहती है, गर्दन भी हिलती है, हाथ भी और पाँव भी। पर मैंने उसमें इस चीज का, मैंने उस अभ्यास को उसमें देखा कि वो बहुत एक इंटेलिजेंसी से अपना काम करता है, हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखता है। मतलब कि वो उसका जो सेल्फ है वो कॉन्शियस बिल्कुल अवेयर है, पर वो बॉडी पे उसका कंट्रोल नहीं है। ये मैंने देख पाया कि वो कुछ फिजियोकेमिकल कुछ डिस्टर्ब होने से उसमें कुछ बॉडी का कंट्रोल नहीं रहा। तो वो सिर्फ सोते वक्त, फिर मैंने अपने कजन से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ सोते वक्त ही इसका बॉडी बिल्कुल स्थिर रहता है, अदरवाइज जब भी ये उठता है पर बातें बहुत अच्छी करता है, हर चीज के लिए अवेयर है, पर बॉडी में एक फिजियोकेमिकल डिस्टर्ब होने से उसका बॉडी को जी, कंट्रोल इस पे नहीं मैं रहा। थोड़ा सा कमेंट कर देती हूँ, समय भी हो जी गया। देखिए, जी जी दीदी दूसरा कितना अवेयर है, अगर वो अवेयर है तो उनको ये भी अवेयरनेस होगी कि शरीर में क्या हो रहा है ना। हाँ हो सकता है कि उनके भाव, उनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, है जी ना, जी दी लेकिन जरूरी नहीं कि वो जागृत हो एकदम, और या अवेयर हो, उन्हें दिख रहा हो सब कुछ अंदर क्या चल रहा है ना।
अगर हम शरीर के प्रति थोड़ा बेहोशी में हैं तो हम उसको संकेत तो दे रहे हैं, पर हमें उसका ध्यान नहीं कि हम क्या संकेत दे रहे हैं, वो एक पॉसिबिलिटी है ना। हाँ ये भी हो सकता है। हमें दूसरे के लिए इतना नहीं, मतलब हमें अपने अंदर ध्यान देना है, अपने अंदर कम से कम हम ना सही दिशा में जाएं, जैसा कि आप बोल रहे थे, वही अपने लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा, ठीक है ना। हाँ जी, संवेदना से इफेक्ट ना होना ये अभ्यास से हम लोग कर पा रहे हैं, पर ये इस अभ्यास में हमारे में मेरे में भी ऐसे लग रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस नहीं हो पा रहे उसमें समय। जैसे आपने कहा ना श्रण मन में भी ठीक हम उसको इफेक्टिव कर सकते हैं, पर वो इतना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, क्योंकि कभी कभी हम जैसे ही कोई बात करते हैं ना हम इमीजिएट लेकिन दे मैं देंगे सभी इतना ही को बस नहीं। बोलना चाह रही हूँ कि एक क्षण में हम ये निर्णय ले सकते हैं कि मेरे अंदर सही भाव हो, और उस क्षण हम आराम में आ सकते हैं। अफकोर्स हाँ संस्कारों को, संस्कार बहुत लंबे समय से हैं, उनको सही करने में थोड़ा समय लग सकता है, ये बात हो रही थी, ठीक है। अभी जी कल इसके बारे में जी और बात कर सकते हैं, अब समय शरण हो भर गया। में अपने भाव को सही रख सकते हैं। हाँ जी ठीक दीदी है जी, नमस्ते दीदी। जी, नमस्ते।